हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो आगे एक और नए वीडियो के साथ हूँ। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पाइथन का जो पाईचार्म आईडी है उसका लेटेस्ट वर्जन रिलीज हो गया है, तो उसको कैसे डाउनलोड करेंगे, फिर देखेंगे उसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सेटअप फाइल डाउनलोड करेंगे, तो आ जाएंगे अपने क्रोम ब्राउजर में। आप लोग कोई भी ब्राउजर यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें हम लोग सर्च करेंगे पाईचार्म डाउनलोड। जैसे ही इसको सर्च करेंगे बहुत सारा वेबसाइट ओपन हो जाएगा। तो जो मेरा सबसे पहला वेबसाइट है, इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, तो उसमें हम लोग सिंपल सा क्लिक कर देंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये मेरा होम पेज पे हमको लेके आ जाएगा। तो चलिए होम पेज पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका दो लेटेस्ट वर्जन, जो इसका लेटेस्ट वर्जन है मेरा 2022.3.1, वो मेरा शो हो रहा है, जो कि 28 दिसंबर को रिलीज हुआ था। तो उसको हम लोग डाउनलोड करेंगे, देन उसके बाद देखेंगे इंस्टॉलेशन प्रोसेस। अगर आपको ये पेज नहीं शो हो रहा होगा तो आपको डाउनलोड ऑप्शन एक शो हो रहा होगा। अगर होम पेज पे आप आए तो सिंपल सा डाउनलोड बटन पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ से अब हम लोग को क्या करना है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करना है। तो जैसे कि अगर आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं तो विंडोज सेलेक्ट कर लीजिए, या मैक यूज कर रहे हैं तो मैक सेलेक्ट कर सकते हैं, लिनक्स के लिए लिनक्स सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, अपना विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप विंडोज यूज कर रहे हैं तो विंडोज यूज कर रहे हैं तो विंडोज सेलेक्ट कर लेंगे। बाय डिफॉल्ट अभी विंडोज ही सेलेक्ट है तो रहने देते हैं। देन उसके बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शन शो हो रहा है, एक प्रोफेशनल वर्जन, एक कम्युनिटी वर्जन। तो प्रोफेशनल वर्जन आप जैसे ही अगर आप यूज कीजिएगा तो ये 30 दिन तक फ्री ट्रायल आपको यूज करने देगा। देन उसके बाद आपको पेमेंट करना होगा, देन उसके बाद ही इसको यूज कर सकते हैं। तो हम सजेस्ट करेंगे कि आप कम्युनिटी वर्जन ही यूज कीजिए। लगभग चीज आपको मिल सकता है आपको कम्युनिटी वर्जन में, कुछ चीज इसमें नहीं मिलेगा जो कि आप प्रोफेशनल में यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पेमेंट करना होगा। तो अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप कम्युनिटी वर्जन ही यूज कीजिए। चलिए सिंपल से हम लोग डाउनलोड बटन पे क्लिक करते हैं और मेरा डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि मेरा डाउनलोड स्टार्ट हो गया है। हम पहले ही इसको डाउनलोड कर लिए थे ताकि वीडियो लंबा नहीं हो, इसलिए इसको कैंसिल कर देते हैं। आप लोग इसे डाउनलोड होने दीजिए और चलते हैं अपने डाउनलोड फोल्डर में और देखते हैं इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस। तो ये रहा मेरा डाउनलोड फोल्डर। तो देख सकते हैं कि जैसे ही डाउनलोड कंप्लीट हो गया, एक सेटअप फाइल आपके डाउनलोड फोल्डर में भी शो होने लगा होगा, जैसा कि मेरे में हो रहा है। तो सिंपल सा डबल क्लिक करके इसको रन कर लेंगे। रन करने के बाद देखेंगे इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस। तो जैसे ही आप सेटअप फाइल रन कीजिएगा तो सबसे पहला पॉपअप मैसेज इस तरह से आएगा, वेलकम टू पाईचार्म कम्युनिटी एडिशन सेटअप। इसमें कुछ नहीं करना आपको, सिंपल सा नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर लेना है। तो चलिए कर लेते हैं। देन उसके बाद फास्ट सेलेक्ट करना है कि कहाँ इसको इंस्टॉल करना है। बाय डिफॉल्ट ये सी ड्राइव को सिलेक्ट किया रहता है, तो आप चाहे तो वहाँ पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं, या नहीं तो आप चाहते हैं चेंज करना तो आप ब्राउज करके उसको चेंज कर सकते हैं। तो हम बाय डिफॉल्ट रहने देते हैं, सिंपल सा नेक्स्ट पे क्लिक कर लेते हैं। देन इसके बाद सबको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। तो सबको जैसे ही सिलेक्ट कर लीजिएगा तो सिंपल सा नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए, देन इंस्टॉल पे क्लिक कर दीजिए और आपका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो वेट कर लीजिए जब तक कि आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट नहीं हो जाता है। सो मेरा इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल रहा, तो सिंपल सा फिनिश बटन पे क्लिक करके इसको फिनिश कर लेते हैं। अब चलिए इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसमें हम लोग कैसे पाइथन के प्रोग्राम को रन करेंगे। तो सिंपल सा डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेते हैं। तो अगर पहले से आप इसको इंस्टॉल किए होंगे तो आपको इंपोर्ट करने का सेटिंग का ऑप्शन आएगा, तो हम सिंपल डू नॉट इंपोर्ट सेटिंग करते हैं, पिछला कुछ भी इंपोर्ट नहीं करना चाहते हैं, तो ओके पे क्लिक कर देंगे।
तो फर्स्ट टाइम ये ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लेता है, तो देखिए मेरा ओपन हो गया। तो जैसे ही ये आपको पॉपअप मैसेज आएगा तो इस पर क्या कीजिए, आप सिंपल सा न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर लीजिए। तो हम क्लिक कर लेते हैं इस पर, और यहाँ से आपको प्रोजेक्ट का नाम देना है कि आप पाइथन प्रोजेक्ट का क्या नाम रखना चाहते हैं। तो पाइथन प्रोजेक्ट 1 यहाँ पे बाई डिफॉल्ट लिया हुआ है, तो हम उसी को रहने देते हैं और सिंपल क्रिएट क्लिक करके इसको क्रिएट कर लेते हैं। लेकिन आप एक चीज़ का ध्यान रखिए कि कोई भी पाइथन का प्रोग्राम रन करने के लिए आपके पीसी या फिर लैपटॉप में पाइथन इंस्टॉल होना जरूरी है। तो पाइथन को कैसे इंस्टॉल करना है उस पर हम वीडियो बना चुके हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो उसको आप पहले इंस्टॉल कर लीजिए, देन ही इसके बाद पाईचार्म को इंस्टॉल कीजिए, और उसके बाद कोई भी प्रोग्राम इसको रन कर सकते हैं। अगर पाईचार्म आप पहले इंस्टॉल कर लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप अभी भी पाइथन पहले इंस्टॉल कर लीजिए, देन उसके बाद ही इसको कीजिएगा। तो देख सकते हैं पाइथन का पाथ ऑटोमेटिक ये सिलेक्ट कर लिया है, तो अगर इंस्टॉल नहीं रहेगा तो ये दिक्कत कर सकता है। तो चलिए सिंपल सा क्रिएट बटन पे क्लिक करके इसको क्रिएट कर लेते हैं। तो कुछ सेटअप करेगा ये ऑटोमेटिक, तो वो होने दीजिए। जैसे वो कंप्लीट हो जाएगा तो आपका यहाँ पे प्रोजेक्ट बिल्कुल शुरू होने लगेगा। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, जैसा कि आपका पीसी जितना फास्ट होगा उतना जल्दी आपका हो जाएगा, तो वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। तो बैकग्राउंड में कुछ इंडेक्स स्कैनिंग हो रहा है तो स्कैन होने दीजिए। देख सकते हैं कि कुछ यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है, जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आप कुछ भी ना करें, इस वेट कर ले थोड़ा सा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये स्कैन हो रहा है, तब तक मैं यहाँ पे देख लीजिए कि पाइथन का कुछ प्रोग्राम्स यहाँ पे ऑटोमेटिक लिखा हुआ है। आप चाहे तो इसको भी डायरेक्ट रन करके देख सकते हैं कि इसका जो आउटपुट है आ रहा है या नहीं। आप चाहे तो न्यू प्रोग्राम्स भी यहाँ पे लिख सकते हैं, तो सिंपल इसको सब डिलीट कर दीजिए और न्यू प्रोग्राम्स लिख सकते हैं। चलिए इसको हटा देते हैं और सिंपल एक पाइथन का प्रोग्राम लिख लेते हैं, प्रिंट। और चलिए इसको रन करके देखते हैं हम लोग रन हो रहा है कि नहीं। चलिए सिंपल से रन बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं कि इसका जो आउटपुट है शो होने लगा है। तो पाइथन में आप जो भी प्रोग्राम करना चाहते हैं यहाँ पे कर सकते हैं, बहुत ही इजी है। और इसमें सजेशन भी मिलेगा कि आपको अगर कोई मेथड आप यूज करना चाहते हैं तो उसका सजेशन भी मिलेगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, या साथ में ही आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी हमको कमेंट कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के बारे में भी आप हमको कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो वो कैसे लगा। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।